हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काइट अजय कुमार, आई लव माय इंडिया। और दोस्तों देखिए कि आज मैं काइट फाइटिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये पीछे देखिए क्रिकेट भी हो रहा है और टीम्स भी यहाँ खड़ी है और आज का व्यू बहुत ही अच्छा है। हवा बहुत ही अच्छी निकली हुई है, साउथ ईस्ट हवा है। और ये देखिए फॉग भी बहुत ही ज़्यादा है। और काफ़ी टाइम बाद में हम दोबारा इस ग्राउंड में आए और अपना सेकेंड वीडियो इस ग्राउंड का लेके आया हूँ। ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर पतंगबाजी स्टार्ट हो चुकी है और दूसरी टीम वहाँ पर देखिए पतंग खींच रही है। तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है काइट अजय कुमार, आई लव माय इंडिया। और जिस टीम से हमारा गेम है मैं आपको उनसे ही मिलवाऊंगा। वो बहुत ही अच्छे नाइस पर्सन है और उनसे काफ़ी अच्छे गेम लड़े हैं और काफ़ी अच्छा रिलेशन बन चुका है। तो इनसे गेम लड़ाने का मकसद ये था, सिर्फ टाइम पास और बहुत ही अच्छा गेम लड़ता है, अल्टीमेट पेज लड़ाएंगे। और आज जो फॉग बहुत ज़्यादा है ग्राउंड के अंदर, ये देखिए मेरे पीछे बिल्डिंग भी नज़र नहीं आ रही है। तो मैक्सिमम पेज की जो रेंज रहेगी 200 से 300 गज रहेगी। पेज अच्छे तरीके से भी दिखेंगे और थोड़ा मजा भी आएगा पेज दिखा रहे हैं। तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है आज का दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट। और जो टीम मेंबर हैं आज मैं उनसे मिलवाता हूँ जिससे हमारा गेम है। तो आज हम कुरैशी काइट क्लब के जो कप्तान हैं उनसे मिलवाते हैं, वो बहुत ही नाइस पर्सन है। ये देखिए दोस्तों एक टीम यहाँ बैठी हुई है मेरी जो पतंग उड़ा रही है। स्टार्ट हो चुका है गेम, ये पहली पतंग जाते हुए पेस के लिए। और ये देखिए दूसरी पतंग खींचते हुए यहाँ पर, ये राजेश भाई पतंग चेक कर रहे हैं। ये देखिए और दूसरी टीम उस तरफ बैठी है, ये देखिए इनका पतंग ये खींच रहा है। अब हम चलते हैं टीम के पास और ग्राउंड का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है यहाँ का और आपने हर वीडियो में देखा होगा। अब चलते हैं टीम मेंबर्स के पास। देखिए टीम ने अपना सामान रखा हुआ है यहाँ पर और जो जिस टीम का सामान रखा हुआ उन मेंबर से मैं आपको मुलाकात कराता हूँ। ये हमारे भाई यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये देखो पतंग चेक करके रख रहे हैं। ये देखिए हम दूसरी टीम के जो कप्तान है जिनसे मैं कह रहा था कि मुलाकात कराऊंगा, ये हमारे मेंबर हैं। और सबसे बहुत बढ़िया अजय भाई साहब, ने इससे पहले भी गेम करे और बहुत अच्छा शो कराते हैं और बहुत मिलनसार इंसान है, बहुत मोहब्बत वाले। और इनको हमारे साथ गेम लड़ाने में बहुत ही मजा आता है और ये फर्स्ट टाइम रेडिसन ग्राउंड में आए हैं पतंगबाजी करने यहाँ पर। आप देख सकते हो अजय भाई के मेंबर वहाँ पतंगे हैं और हम इनके लिए ग्राउंड में सबसे पहले आते हैं जगह रोकने के लिए। इनकी डिमांड ये रहती है जगह होगी तो गेम होगा वरना नहीं होगा। हम इनके लिए नौ बजे घर से निकल जाते हैं और ये हमारे लिए खाना पैक करा के लाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारे लिए कुछ मंगवा दो। और भाई हमारे वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है साहब। अब हम चलते हैं आगे पेज की तरफ। पेज के लिए तैयार हो रही है और ये यहाँ से उड़ चुकी है। और ये यहाँ से उड़ रही है, ये देखिए ये हमारे भाई उड़ा रहे हैं पतंग। ये भाई हाई करते हुए, इनका फर्स्ट पतंग है। और ये देखिए यहाँ से पतंग खींच रहे हैं। YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए ताकि ये पतंगबाजी को जो है और आगे लेके जा सके। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका साथ दीजिए और इनको ऊंचाइयों तक लेके जाइए। और पाजी क्या हालचाल? बढ़िया सर, नमस्कार। ये पाजी बहुत ही अच्छी पतंगबाजी करते हैं और अपना काम छोड़ के आते हैं। ये देखिए सिर्फ संडे संडे इनका 7 डे ओपन रहता है वर्किंग, लेकिन फिर भी पतंगबाजी के लिए वक्त निकालते हैं। ये भी विशाल भैया का भी अपना काम है, ये भी संडे के लिए वक्त निकालते हैं सब लोगों के लिए। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि मास्क वास्क आजकल जरूरी है लगाना? बिल्कुल जी बिल्कुल, दोबारा कोरोना आ चुका है भाई साहब, दोबारा से कोरोना आ चुका है। मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए ताकि हम लोग सेफ रहे, सेफ पतंगबाजी करें और घर वालों को भी हम सेफ रख सके। ठीक है जी। और ये देखिए पेज के लिए पतंग जाता हुआ दूसरा, ये देखिए प्लेयर, ये जो प्लेयर व्हाइट टी शर्ट में जा रहे हैं इनके हाथ में पतंग है और ये नीचे से पेज लड़ाएंगे अपना पहला पेज, उस तरफ लड़ रहा है। ये देखिए इनका पेज नीचे से लड़ते हुए और इनका पतंग ये रहा स्क्रीन के ऊपर, ये अपना पहला पेज लड़ाते हुए नीचे से। पेज की रेंज है 150-200 गज की।
ये देखिए किस तरीके से पहले लड़ाएंगे आपको दिखाएंगे, और आगे ये फोक देखिए, ये नीचे से इनका पतंग आ चुका है, सही हो चुका है, ये सही की आवाज आ चुकी है, सही मतलब ओके हो चुके पेज की तैयारी होते हुए, ये पेज लड़ता हुआ। ये देखिए तैयारी करते हुए ये अंदर घुसे और ये खड़ा खींचा खड़ा खींचा, और ऊपर वाला पतंग कट गया, नीचे वाले ने बेच खींच के काट दिया भाई ने, बहुत बढ़िया भाई, अजय भाई की मोहब्बत है सिर्फ ये और किसी की नहीं है। अजय भाई का चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए भैया और शेयर कीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। इस पेज के बाद ये देखिए पतंग के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा जो मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, ये व्यू सिर्फ आपको ठंड के टाइम में ही देखने को मिलेगा, हवा के अगेंस्ट उड़ते हैं। ये देखिए पेज के लिए पतंगे आ चुकी हैं, और ये देखिए पतंगे उड़ रही है, ये देखिए ब्लैक वाला पतंग जो लेफ्ट साइड में है वो नीचे से है, और राइट साइड में जो पतंग है वो ऊपर से लड़ाएगा। और ये देखिए पूरे ग्राउंड का व्यू, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये, और यहाँ से ये देखिए पतंग उड़ रही जा रहा है, ये रहा बैक साइड से मेरे पतंग उड़ रही है, और हम पेज के नीचे आ चुके हैं बिल्कुल, और ये देखिए यहाँ पे पेज लड़ते हुए, ये देखिए पेज आ चुका है चील के पास, मौसम ज़्यादा ही ख़राब है इसलिए थोड़ा सा पेज नहीं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कुछ पेजेस कवर किए जाएं। ये देखिए पेच आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, ये 300 गज की रेंज पे लड़ाया जा रहा है पेच, और काफ़ी आगे है, नीचे से जो पेच लड़ा रहे हैं हमारे जावेद भाई लड़ा रहे हैं दूसरी तरफ से, यहाँ से ये देखिए गाड़ी के पीछे खड़े हैं, ये खड़े हैं, और उनका पेच सही हो चुका है, और दूसरे प्लेयर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं तैयारी लेते हुए, ये रेडिसन ब्लू सही हो चुका है, यहाँ से भी सही हो चुका है, और ये देखिए लेफ्ट साइड वाले प्लेयर ऊपर से हैं और राइट साइड वाले नीचे से लड़ा रहे हैं, ये देखिए ये दिखाया धुंध है और पेज थोड़ी सी रेंज पे है, ये गया अंदर, ये राइट साइड वाले अंदर घुस गए और मुड्ढा ही टेक मारा, और ये पतंग काट दिया भाई राइट साइड वाले ने ऊपर खींच के सलंग से एक ही मुड्ढे पे, वो देखिए वहाँ से ये लड़ाए थे इन्होंने ये पिच काट दिया भाई, यहाँ से इनका कट गया। जावेद भाई अभी नीचे से जो पे लड़ाया था वो दिखाया मैंने आपको, और जावेद भाई कैसा लगा ग्राउंड कैसा भाई? ये बेहतरीन ग्राउंड है भाई, ये हमारा रेडिसन ब्लू का ग्राउंड है भाई, और जावेद भाई बहुत अच्छी पतंगबाजी करते हैं, और इनका पतंग जाया हो गया है, उड़ती कोई पतंग अटका होता उससे कट गया भाई का, जाया हो गया, तो इस वजह से ये पतंग बेचारे लपेट रहे अपनी चरखी, ये देखिए कितनी तेजी से, और ये 7 डे पतंगबाजी करते हैं भाई काम के साथ साथ, घर के नीचे काम है और ऊपर छत पे पतंगबाजी, ये देखिए। जावेद भाई हमारे चैनल को लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना, ये देखिए भाई पेच आ चुका है, एक और पेच आ चुका है, और ये पतंग कट गया भाई, थोड़ा सा लेट हो गया हम वीडियो शूट करने में, ये पेच कट चुका है ऊपर वाले का लेफ्ट साइड से, राइट साइड वाले ने पेच ये काट दिया खींच के भाई, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर कुछ पतंगें उड़ के जा रही हैं पेचिस के लिए, ये पतंगें जा रही हैं पेचों के लिए,
जो कट के चली जाती है, उसके बाद दूसरी भी ये पतंगे जाती हैं पेच के लिए। ये देखिए दो पीछे हैं और ये आगे जा रही है पेच लड़ाने के लिए दूसरी पतंग, और एक पतंग ये देखिए पेच पे खड़ा है। बहुत ही अच्छा गेम लड़ते हुए ये देखिए, ये हमारे कुणाल भाई जो आजकल टूर्नामेंट भी लड़ा रहे हैं ऑल इंडिया लोकल दिल्ली का, और इनका नीचे का पेच सही हो चुका है। भाई थोड़ा हट जाना, बहुत तेज भागते हैं। हाँ ये देखिए भाई कुणाल का पेच लड़ते हुए 150 गज की रेंज पे। ये भाई ने पेच काट दिया कुणाल भाई ने, ये नीचे से खींच के। आज बहुत ही मजा आ रहा है वीडियो बनाने में, क्रिकेट के साथ साथ पतंगबाजी, पतंगबाजी के साथ साथ क्रिकेट। और ये देखिए पतंग उड़ के जा रहा है, कुणाल ने भी एक पेच काट दिया था नीचे से। ये देखिए कुणाल यहाँ से लड़ा रहा था, इन्होंने खींच के काटा ये पेच। अब दूसरे पेच के लिए पतंग जा रही है, फॉक होने के कारण क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन कोशिश रहेगी दिखाने की। पूरा पीछे से व्यू दिखाते हुए आपको पेचेस का। और ये देखिए वहाँ पे एक पेच लड़ रहा था जो कि कट चुका है, ऊपर का पेच था उनका लेफ्ट साइड वालों का, उनका पतंग कट चुका है, राइट साइड वाले ने फिर ये खींच के काट दिया था। और ये देखिए पतंग उड़ के जा रही है, ये हमारे आरिफ भाई जो अभी सो के उठ के आए हैं पतंगबाजी करने के लिए। और ये देखिए कुछ मेंबर वो आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए पेच लड़ते हुए नीचे के प्लेयर वो जा रहे हैं येलो टी शर्ट में, और ऊपर से राजेश भाई लड़ा रहे हैं यहाँ से पेच। और यहाँ पे मीटिंग होते हुए टीम मेंबर्स की सेमीफाइनल के लिए। चौधरी काइट क्लब पहुँच चुका है सेमीफाइनल में DND लोकल पे जो टूर्नामेंट हो रहा है। और ये देखिए पतंग यहाँ जाते हुए, ये देखिए पतंग उड़ के जा रहा है। और ये पेच दिखाते हैं राजेश भाई किस तरीके से लड़ा रहे हैं ये पेच। और नीचे वाले प्लेयर इस तरफ खड़े हैं राइट साइड पे, वो आगे जा रहे हैं और राजेश भाई ऊपर से लड़ा रहे हैं लेफ्ट साइड से। बिल्कुल करीब से ये वाला पेच दिखाते हुए, ये देखिए भाई राजेश भाई ने ऊपर से लड़ा रहे हैं, और नीचे का भी प्लेयर उनके आगे खड़ा है उस तरफ से। ये देखिए फॉक होने के कारण नहीं दिखा पा रहा और पेज सही हो चुका है। और ये देखिए किस तरीके से पेज लड़ता है, ये देखिए ये लड़ाया, ये पतंग बचाया इन्होंने, और ये खड़ा खींचा उन्होंने रोका। और ये देखिए पेच लड़ते हुए इस तरफ से राजेश भाई पीछे आ चुके हैं, चरखियां लगी हुई है, पूरा ग्राउंड घेर के लड़ा रहे हैं दोनों प्लेयर। ये खींचा ओ हो काट दिया राजेश भाई ने ये वाला पेच भी। और ये देखिए जिन प्लेयर का पेच कटा था वो चरखी लपेट रहे हैं। पूरा ग्राउंड कच्चा का भरा हुआ है क्रिकेट प्लेयर से, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट होते हुए और साथ में पतंगबाजी होते हुए। और ये देखिए शॉट दिखाते हैं आपको एक, ये लैदर से गेम होते हुए ये आउट हो गए भाई, ये भी आउट हो गए, और यहाँ पेच भी कटा और यहाँ ये भाई भी आउट हो गए। और ये देखिए भाई एक और शॉट दिखाते हैं भाई का जब तक पेच आए। चौका हो चुका है भाई, दो रन होने थे वहां पे, भाई ने बॉल छोड़ दिया और चौका हो गया। भाई उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है बड़ी तेजी से। और कप्तान साहब कट गया,
गया जी अंदर की पतंग थी, अभी खिंचवा लेते हैं एक दफा। ओके साहब, ओके। ठीक है जी, ठीक कह देते हैं अभी। बिल्कुल यहाँ से पतंग उड़ के जा रही है, इनका ये पेच कट चुका था, ये देखिए। और आज हमारा इनसे गेम लड़ रहा है, हवा थोड़ी सी कम है, तो आज हमने सोचा इनकी कुछ फेवरेट पतंगे हैं वो दिखाते हैं। ये इनका सामान यहाँ रखा हुआ है, और ये देखिए बहुत पुरानी पुरानी और अल्टीमेट पतंगे जो देखने को बहुत कम मिलती हैं, भाई के पास अवेलेबल है। हमारे सन्नी सरदार जी रोहिणी वालों ने गिफ्ट दिया है, चौका बहुत अच्छी गुड्डिया दी इन्होंने। अच्छा जी, आज ही है। अच्छा, ये देखिए कौन सा कारीगर है, कलकत्ता की, दिखाना। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये इनकी फेवरेट पतंग है, देखिए ब्राउन वाली इनकी फेवरेट है, ये किसी को देते भी नहीं है भाई साहब ये पतंग है। नहीं नहीं, कैसी बात, ये देखिए हिदायत अली की पतंग है और बहुत बेहतरीन पतंग है ये, आप देख सकते हो फर्मा गोल बिल्कुल, और भाई का काइट क्लब का स्टिकर लगा हुआ है देखिए पीछे। कौन सा कारीगर है ये, देखिए जी दीपक, दीपू काइट क्लब लखनऊ। ये देखिए भाई, अच्छा हमने सोचा जब तक गेम स्टार्ट हो और भाई की कुछ पतंगे दिखाएं आपको। ये देखिए फर्मा कितना अच्छा है, और बहुत अच्छी पतंग है। अच्छा कौन सी, सचिन की पतंग है, सचिन की पतंग है ये देखिए नकलों की। ये कौन सा कारीगर की है, ये पप्पू की है शायद, ये पप्पू की नहीं, ये कानपुर की पतंग है। अच्छा, अल्ताफ की पतंग है। ये भाई नई डोर दिखा रहे हैं, दो साल से मैं नई डोर लड़ा रहा हूँ आसिफ खान की, और बहुत अच्छी डोर लगा के देते हैं ये, आप देख। पर्चा दिखाओ, उस पर लेबल लगा हुआ उसका, बोरा बोरा येलो वाले पे। और ये राशिद खान ये है, बहुत अच्छी डोर बना के देते हैं और बहुत अच्छी सूते भी देते हैं, देख सकते हो आप चढ़ के। हमारी टीम में राजेश भाई भी यही डोर लड़ाते हैं, और राजेश भाई हैं वो भी यही लड़ाते हैं आरडी क्लब में। हमें भी प्ले वाले करते हैं, देखिए आप क्वालिटी देखिए डोर की, बहुत अच्छी डोर ला के देते हैं सब क्लब फाइटरों को। ये इनका एक ब्लॉक और है, 9 स्टार, 7 स्टार और 9 स्टार डोर लगाते हैं ना, ये 7 स्टार 9 स्टार और एक 5 स्टार भी लगाते हैं, लेकिन ये ऊपर के डोर देखिए कितनी बेहतरीन है, बिल्कुल बारीक डोर लगी हुई और बहुत अच्छी मेहनत। ये देखिए भाई, अभी मैंने भी कुछ नई डोरे लगवाई है वो दिखाऊंगा मैं आपको, और मैंने इनसे जो बीच करके लगवाए थे बड़े चला के दिए इन्होंने, अच्छा 100 से भी ज्यादा बढ़िया मेहनत करके दी। ये देखिए साहब कितना प्यारा, फुरकान भाई हमारे, फुरकान भाई हैं ये, बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी अभी 2 मिनट पहले पतंगबाजी छोड़ी लेकिन दोबारा स्टार्ट कर दी है। नहीं उड़ा रहे, ऊपर का पेच है उनका, वो तो ऊपर का पैटर्न पेच है। ये देखिए भाई, पतंग ये भाई अपनी पतंग दिखाते हैं, फेवरेट पतंग कौन सी, फुरकान काइट, फुरकान खान दिल्ली 6, लोग पुरानी पतंग है सनी भाई की। हमारे शमी भाई कुछ पतंगे दिखाएंगे, इरफान भाई मेरे ऊपर आपकी है। ये देखिए बेहतरीन खतरनाक कलेक्शन जो आज लेके जाने के लिए मिलेगा हम लोगों को यहाँ से, रईस की पतंग, रईस की मोबिन अख्तर की है ये, 20-20 साल पुरानी पतंग है। ये देखिए वैसे दिखाओ दूसरे क्रॉस करके फ्रंट, ये देखो भाई कितनी पुरानी पतंग है, ये देखिए असगर का पतंग, ये इन्होंने अब तो पहले ऐसी पतंग भी कहाँ बन रही है, कागज भी नहीं आ रहा है और गाठदार है ये, इसकी गाठ आज तक जैसे नहीं वैसे, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहाँ गई तुम्हारी 21 जो काटी थी तुमने, हाँ वो, ये देखिए भाई, और अब
ये देखिए मौसम बहुत ही ज्यादा आ गई हवा। और भाई कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। अच्छी हवा आ गई है और हमारा आरडी क्लब से गेम लड़ते हैं, बहुत अच्छा शो कराते हैं हमारे ये भाई। और ये देखिए आपको बहुत मिलनसार हैं इनके, बादलों में सिर्फ पतंग ही पतंग दिखेगी, कुछ देर बाद बहुत ही ज्यादा पतंग नजर आने लगेगी। ये देखिए पांच छोटवा दी मैंने, क्या बात करो, अब स्क्रीन पे सिर्फ आपको पतंग नजर आनी है। इसके अलावा आज का बहुत ही ज्यादा सुंदर नज़ारा। और ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड खाली हो चुका है, क्रिकेट वाले जा चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन पतंगबाजी का व्यू दिखाते हुए। और ये देखिए यहाँ से प्लेयर ऊपर का प्लेयर लड़ा रहे हैं, राज भाई। और ये देखिए दूसरी टीम यहाँ बैठी है मेरी, ये पूरा ग्राउंड पेच आ चुका है। और ये देखिए ये करीबन 300 से प्लस रेंज पे लड़ रहा है पेच बिल्डिंगों के उस पार। ये देखिए सही हो चुका है और ये लड़ा रहे हैं यहाँ से प्लेयर नीचे का पेच। ये देखिए तैयारी लेते हुए, और ये खींचा ये थपका दिया, ये थपकाया बड़ी तेजी से और पेच रुक गया है। और ये पेच काट दिया उन्होंने, खींचा फिर खींचा गाड़ी आ गई इनके पीछे, लेकिन फिर भी खींचते गए ये पेच काट दिया भाई इन्होंने नीचे से। ये हमारे राज भाई पीछे से कट गए हैं, दिख रहा है भाई? हाँ बिल्कुल, फॉग बहुत ज्यादा यार। सही हो चुका है, बहुत ही ज्यादा एंटीने का, ये एंटीना दिख रहा है यहाँ पे पेड़ लड़ रहा है। और ये देखिए यहाँ से कट गया भाई का पेज, जावेद भाई ने पेज भी काट दिया। और ये देखिए दूसरी टीम्स यहाँ बैठी है दो, जिनका गेम हो रहा है। और सनी भाई जी पतंग उड़ाते हुए, पहले क्रिकेट खेल रहे थे और पतंग उड़ा रहे हैं और इनकी पतंग ये जा रही है। दूसरी टीम उसके बैक साइड में बैठी है, वो देखिए पीछे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर पतंगबाजी होते हुए, ये देखो भाई मुड्डा फेरा ये बनाया और ये तैयारी से, और ये खींची भाई ने बड़ी तेज और तबकी मार के भाई ने काट दिया पेच, कटती हुई पतंग देखो वो जा रही है। कैसा लड़ा? बहुत अच्छा और मजा आया, फुल इंजॉय वाला गेम है और बहुत अच्छे पेच लड़े आज दोनों तरफ से, और हवा भी बहुत बढ़िया मस्त हवा मिली है जब। और भाई बिल्कुल ही मतलब कोई शक ही नहीं था कि उसके ऊपर वेदर के ऊपर डिपेंड रहे कि हवा नहीं रहेगी बारिश रहेगी, और बहुत ही अच्छा गेम लड़ा हम लोगों का और बहुत ही मजा आया भाई को। अभी तक लड़ रहा है गेम, अभी तक ये देखिए कितना ज्यादा फॉग है, उसके बाद भी लड़ चुके होंगे अब तक। और बहुत अजय भाई ने बहुत अच्छा शो कराया। और भाई साहब ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड बहुत बढ़िया, तारीफ के काबिल है, हमारे आसपास के पास ऐसा ग्राउंड नहीं है। ये देखिए आज के टाइम में ग्राउंड मिलना और इलाकों के अंदर दिल्ली के अंदर ऐसा ग्राउंड नहीं है इसका। ये देखिए साफ सुथरा, बिल्कुल जैसा मर्जी पेच लड़ा लो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। और शौक हमारे अजय भाई ने आरडी क्लब में बहुत बढ़िया कराया हमें, कम से कम दोनों तरफ से दिल खोल के लगे। और सर्विस कम से कम पांच पतंगों की सर्विस, पतंगों की सर्विस ये देखिए भाई। और अब आने वाला ये मेरा वीडियो है तो प्लीज लाइक कर देना भाई। कैसे हैं आप सब लोग, और आज का व्यू कैसा लगा, कैसा आज का वीडियो रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये देखिए यहाँ से आज पतंगबाजी हुई थी जो मैंने कुछ कवर की है, तो देखिए मैंने आज अपना काइट फाइटिंग वीडियो दिखाया, कुछ कलेक्शन दिखाया जो हमारी टीम थी उसका, और कुछ पिचेस दिखाए, मेंबर दिखाए, ग्राउंड दिखाया। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे भी मैंने आपको दिखाया कि ग्राउंड बहुत ही अच्छा था, और तो पिचेस भी दिखाया सही भी हुआ है, फॉग ज़्यादा होने के कारण मैं आपको पिचेस नहीं दिखा पाया, उस चीज़ के लिए सॉरी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कुमार, आई लव माय इंडिया। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।